देखो, ये जहाँ तक देश को धोखा देने का सवाल है, सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुझे। आज नहीं, अभी भी अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ, ना कि मैं देश को धोखा देना पसंद करता हूँ। कहते हैं ना, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो हार मानना नहीं जानते, और हारी हुई जिंदगी को जीत में बदल दे उसे मोहम्मद शमी कहते हैं। मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के एक गरीब परिवार से आने वाला लड़का आज पूरे इंडिया का दुलारा बन चुका है। लेकिन आज हम जिस मोहम्मद शमी को जानते हैं वो कुछ समय पहले ऐसा मोहम्मद शमी नहीं था। शमी की शुरुआती जिंदगी बहुत ही मुश्किल भरी रही। शमी ने वैसे तो क्रिकेट अपने पैशन के लिए खेलना शुरू किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक कोच को उनकी बॉलिंग काफ़ी पसंद आई और उन्होंने शमी को कोलकाता जाने को कहा। उसके बाद शमी कोलकाता गए और वहाँ से क्रिकेट खेलना शुरू किया, और आखिरकार शमी के इसी पैशन की वजह से शमी को इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला। लेकिन शुरुआत में शमी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, कभी मैच में विकेट मिलता कभी मैच में विकेट नहीं भी मिलता, और इसी के चलते मोहम्मद शमी अपनी प्लेइंग 11 में बहुत ही मुश्किल से जगह बना पाते और कभी कभी तो टीम से बाहर भी बैठना पड़ता, कभी कभी तो टीम स्क्वाड में भी जगह नहीं मिलती और पूरी सीरीज से ड्रॉप कर दिया जाता। लेकिन शमी ने अपनी मेहनत को जारी रखा। फिर 2014 में आए विराट कोहली द कैप्टन। विराट कोहली ने अपनी कैप्टनशिप में मोहम्मद शमी को टेस्ट क्रिकेट में पूरा सपोर्ट किया। मोहम्मद शमी को फील्ड में जैसी भी फील्ड सेट करनी होती थी या फिर जैसी भी गेंदबाजी करनी होती थी, विराट कोहली ने उन्हें हर तरीके से सपोर्ट किया। इसी की बदौलत उनकी गेंदबाजी में एक अलग पहनापन देखने के लिए मिला। To give any attention to those people, and neither does Shami and neither does anyone else in the team. We stand by him fully. We are backing him 200%. और मोहम्मद शमी आज तक क्रिकेट में अपनी जगह बनाए रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी मोहम्मद शमी की फिटनेस पर मीडिया वाले सवाल उठा रहे थे। फिर शमी ने अपनी फिटनेस पर फोकस किया और शमी आज पहले से ज्यादा फिट हैं। लेकिन क्रिकेट के अलावा शमी की जिंदगी में एक ऐसी पनौती आई थी जिसने उनका पूरा करियर खत्म ही कर दिया था। शमी की पत्नी ने शमी पर बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए। उसने ये तक कह दिया, शमी अपने देश के साथ गद्दारी करता है, वो मैच फिक्स करता है और घर में उसके साथ मारपीट करता है। वो जितनी इतनी सारी लड़कियों के साथ, वो जस्ट वो गंदी लड़कियों के साथ उसको हायर करना, रूम में बुलाना, बहुत सारी लड़कियों के साथ चैटिंग करना, मीट करना, सेक्स करना, ये सब जो है वो फोन उसी के वजह से, उसी के लिए ही पर्टिकुलर यूज करता था। वो जब मुझे धोखा दे सकता है, अपनी बच्ची को धोखा दे सकता है, अपने घर वालों को धोखा दे सकता है, तो देश को भी धोखा दे सकता है। लेकिन जांच करने के बाद ये सब साफ हो गया कि शमी ने अपने देश के साथ किसी भी तरह गद्दारी नहीं की है और शमी पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठ हैं। लेकिन तब तक पूरे देश में शमी की बहुत बदनामी हो चुकी थी और पूरा देश उन्हें गद्दार के नाम से बुला रहा था, और इसी की वजह से शमी ने 3 बार सुसाइड करने का सोचा। मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे, उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में बहुत ज्यादा, मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा। भारतीय फैंस तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लगातार निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें देशद्रोही, गद्दार तक कहा जा रहा है, तो कुछ लोग उनके धर्म की वजह से भी निशाना बना रहे हैं। थोड़ा हौसला रखिए, मुझे आप ये बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आप पर इस तरह के आरोप लगते हैं जिस आदमी ने इतनी शिद्दत से देश के लिए किया हो। लेकिन किसी भी तरह उन्होंने अपने आप को रोक कर रखा। तब से शमी अपने देश के लिए जब भी मैच खेलते हैं तब उनके चेहरे पर हम साफ देख सकते हैं कि वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं और अपने देश के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस वर्ल्ड कप में शमी ने तो कुछ अलग ही रंग दिखाए हैं। पहले तो शमी को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ा, शुरुआती कुछ मैच शमी नहीं खेल पाए, लेकिन पिछले 4 मैचों में शमी को मौका मिला तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं। काफी सारे लोग आए हैं मोहम्मद शमी के सपोर्ट में। शमी धर्मशाला में 5 विकेट निकाले थे और कमाल का क्राउड सपोर्ट मिला था उन्हें, और वो सपोर्ट यहाँ भी मिलेगा। शमी शमी को मौका मिला आज, क्या किया लड़के? शमी वैसे ही लाइक उसको बहुत ही ऐसे रखा जा रहा था, लेकिन आज उसको मौका मिला और उसने 5 विकेट लिए, और वो बहुत ही अच्छा बॉलर है। उसने 2 वर्ल्ड कप पहले खेल चुका, उसका 3rd वर्ल्ड कप है ये। पिछले 4 मैचों में शमी ने 16 विकेट चटका दिए हैं और जिसमें से 2 बार 5-5 विकेट लिए और 1 बार 4 विकेट लिए थे, और उम्मीद है शमी आगे भी कुछ इसी तरीके से विकेट चटकाते रहेंगे और अपने देश के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे और अपनी पत्नी को मुंह से नहीं बल्कि अपनी गेंदबाजी से जवाब देते रहेंगे। मोहम्मद शमी की जिंदगी से हमें काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। उन्होंने कभी भी हार मानना नहीं सीखा, ना किसी को दूसरे को सिखाया। 3 बार मन में सुसाइड करने का विचार आए हो उसके बाद भी सुसाइड ना करना, और इतने गंदे गंदे और झूठे आरोप लगने के बाद भी
कोई भी बवाल नहीं करना, शांति से रहना और शांति से काम करना, ये मोहम्मद शमी ने सिखाया है। अगर लोग इनकी ज़िंदगी से कुछ भी सीखना चाहें तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। बहुत मोटिवेशन मिलता है इनकी स्टोरी पढ़ने के बाद, और इंस्पिरेशन है ये दूसरों के लिए जिन्होंने सिखाया है मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, शमी की जगह और कोई होता और उसके साथ ये सब हुआ होता तो आज वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा होता या नहीं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे।